रीवा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी राजपत्र में संशोधन करने की मांग की गई। आपको बता दें, राजपत्र में सुरक्षा निधि जो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, पुनः सुरक्षा निधि जमा करने के आदेश हुए हैं। साथ ही मान्यता के अधीन विभिन्न गतिविधियों हेतु जो शुल्क निर्धारित की गई है, उसे निःशुल्क शिक्षा अधिकार का सीधा उल्लंघन की बात कही गई है, जिसे तत्काल समाप्त करने और 1 से 8 तक रजिस्टर्ड विद्यालयों के मान्यता के लिए नोटराइज कराना नाम की जगह रजिस्टर्ड किराया नामे की मांग समाप्त करने की मांग भी एसोसिएशन के द्वारा की गई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मांग की है कि 10 दिन के अंदर उक्त सभी बिंदु को समाप्त किया जाए, अन्यथा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हमारी शासन के समक्ष 3 मांगे हैं। अभी 6 जनवरी को जो राजपत्र प्रकाशित किया गया है, उसमें नर्सरी से कक्षा 8 तक की मान्यता के लिए सुरक्षा निधि 40,000 निर्धारित की गई है। जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, शिक्षा निधि समाप्त कर दी गई थी और जिनकी जमा थी उनका पैसा ब्याज सहित लौटाया गया था। दोबारा सुरक्षा निधि लागू की गई है, समाप्त किया जाए।